जगह थाना क्षेत्र के नवा बारी पलिपा पार गांव में दो किशोरों का हाथ और पैर बंधा शव मिला। आपको बता दें कि नई बाजार चौकी के नवा बारी पलिपा पार गांव निवासी 17 वर्षीय गणेश जायसवाल पुत्र जितेंद्र व 16 वर्षीय आकाश जायसवाल पुत्र साहब 7 जनवरी की देर शाम घर से निकले थे। तब से यह दोनों गायब थे तथा मंगलवार को दोनों युवकों का शव पुलिस ने गांव के बाहर खेत से बरामद किया है और दोनों के शव को खेत में दफनाया गया था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दोनों युवकों का हाथ और पैर बंधा था और सिर में चोट के निशान थे। गांव में दबी जुबान में चर्चा है कि मामला आशनाई से जुड़ा है। दोनों युवक एक लड़की से प्यार करते थे और उसी से मिलने गए थे। दोनों का शव गांव से बाहर 500 मीटर दूर मिला है। गणेश 11वीं का छात्र था तो आकाश 10वीं में पढ़ता था। मौत के बाद दोनों के परिजन दुश्मनी से इनकार कर रहे हैं। घर वालों के मुताबिक 7 जनवरी की रात उनके 4 दोस्त आए थे। वह पहले गणेश के घर गए और फिर आकाश को भी साथ लेकर गए थे। उसके बाद दोनों नहीं लौटे। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस ने दोस्तों की तलाश शुरू कर दी है। इस संबंध में SSP डॉक्टर विपिन तारडा ने बताया कि पुलिस को फोन पर सूचना मिली कि दो युवकों का शव जमीन में दबा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने बताया कि दोनों युवक एक ही गांव के रहने वाले हैं। दोनों युवक 15 दिन पहले से गायब थे तथा परिजनों से पूछताछ व साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि गायब होने की सूचना पुलिस चौकी पर दी गई थी लेकिन पुलिस ने कोई काम नहीं किया, जिस पर SSP ने कहा कि इस मामले की जांच कर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और घटना का खुलासा करने के लिए SP नॉर्थ के नेतृत्व में टीम बनाई गई है जो जल्द ही घटना का खुलासा करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन तारडा ने कहा, व्हाट्सएप कर अरे माइया हो माइया हमारे जे रब के लीजे चित्रना सा तो वो देखना सा भाथावा तो वे आके गांव हल्ला कर आकाश नाम हो गया 16-17 दिन। पुलिस तो बात कितने बार गए? अभी तो एक भी बार नहीं गए सर। किसी के साथ किसी झगड़ा हुआ है? नहीं नहीं सर, किसी पर साथ नहीं हुआ। आज कैसे पता चला है? वो तो लोग गए थे वहाँ पर लाश देखने तो भट्टा पर क्या काम कर रहे थे? भट्टा वाले जो रचिया वाले थे ना सर, शिव कुमार पासवान ग्राम प्रधान नगुआ बाली, दोनों नाबालिग बच्चे थे और दोनों काफ़ी गरीब परिवार के बच्चे थे जो लग रहा था कि अपने जीवन यापन के लिए लड़कपन में कहीं बाहर चले गए हैं। हमने दोनों परिवार से बात किया तो कहा कि हो सकता है तो हमारा बच्चा कमा गया। कैसे सौ गड्ढे में किस प्रकार में मिला है? जिसे सर दोनों हाथ बंधा था और सर पर काफ़ी गंभीर चोट लगी थी। जब हम ग्रामीणों ने हमको सूचना किया तो हम भी मौके पर पहुंचे, प्रशासन के लोग पहुंचे। सूचना मिली कि युवक का शव जमीन में दबा है, इस पर पुलिस ने आकर उसे निकलवाया तो दो शव निकले हैं। दोनों इसी गांव के रहने वाले युवक हैं और दोनों एक साथ जाना बताया जा रहा है दोनों का, करीब 10-15 दिन पूर्व। इसमें परिजनों से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो शव हैं उसको पुलिस ने कब्जे में लिया है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। प्रथम दृष्टया प्रकरण हत्या का प्रतीत होता है और इस पर पुलिस उसी लाइन पर आगे काम कर रही है और कई टीमें SP नॉर्थ के नेतृत्व में लगाई गई हैं जो कि शीघ्र ही प्रकरण का अनावरण करेंगे। जी, इसमें सभी पक्षों की जांच की जाएगी, परिवार वालों से भी बात की जा रही है और यदि किसी की लापरवाही पाई गई तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। परंतु किस प्रकार इतने दिनों तक ये युवक गायब रहे दोनों और परिवारजनों ने थाने पर सूचना नहीं दी किसी को, ये भी एक बिंदु है जिस पर हम आगे छानबीन कर रहे हैं और किसका क्या योगदान रहा इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी।